दोस्तों, जहां पहले से ही केरल में बाढ़ से हालात बहुत गंभीर बने हुए हैं, उसी बीच अभी अभी केरलवासियों के लिए एक और बड़ी खबर और खतरा निकल कर आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक गंभीर और बड़ी महामारी का खतरा है। ऐसे में आपको इस पूरी खबर और अपडेट को जरूर जान लेना चाहिए। केरल में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। राज्य में अब तक मौसम के कोप से 370 लोगों के मारे जाने के समाचार हैं। फिलहाल दो दिनों से बारिश नहीं होने से बाढ़ के हालात स्थिर रहने की संभावना है, लेकिन अब इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ का पानी कम होने से हजारों परिवारों को राहत मिली है, लेकिन राहत शिविरों में रह रहे 7 लाख से अधिक लोगों में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। 8 अगस्त से केरल भयानक बाढ़ के हालात का सामना कर रहा है। केरल में 8 से 15 अगस्त के बीच सामान्य मानसून के मुकाबले 250% अधिक बारिश हुई है। बारिश के कारण 35 बांधों के दरवाजे खोलने पड़े। बांध खोलने से नदियों का जल स्तर खतरे के निशान को पार गया। बताया जा रहा है कि केरल में यह इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है। बाढ़ और भूस्खलन से बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं, हजारों घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। मानसून के कहर के कारण केरल का पर्यटन उद्योग भी बुरी तरह चौपट हो गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नौकाओं और हेलीकॉप्टरों से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। इस समय करीब 7 लाख परिवार राहत शिविरों में पनाह लिए हुए हैं। केरल स्वास्थ्य विभाग में आपदा प्रबंधन की अगुवाई कर रहे अनिल वासुदेवन ने बताया कि तिरुवनंतपुरम से लगभग 250 किमी दूर अलुवा शहर में राहत शिविरों में से चिकनपॉक्स के 3 मामले सामने आए हैं। इन मरीजों को राहत शिविरों से हटाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वासुदेवन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग जलजनित और हवा से फैलने वाली बीमारियों से लड़ने की पूरी तैयारी में है। स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र ने बाढ़ प्रभावित केरल में किसी तरह की महामारी को रोकने के लिए 3,757 मेडिकल शिविर लगाए हैं। बाढ़ का पानी घटने के साथ माहौल संक्रामक बीमारियों के अनुकूल हो जाएगा, राज्य को दैनिक निगरानी के लिए कहा गया है, जिससे किसी भी प्रकोप के शुरुआती संकेतों का पता लगाया जा सके। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि केरल में बाढ़ से पीड़ित लोगों को जल्द से जल्द राहत मिलेगा, आप इस वीडियो को नीचे लाइक कीजिए तथा लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी जरूर दबा देना, ताकि आपको हर एक काम की खबर का अपडेट सबसे पहले अपने मोबाइल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।